आप कितना ही पढ़ लो, आप कितने ही अच्छे एक्सप्लेनेशन देख लो, मेरे देख लो, किसी और के देख लो, कितने ही वीडियोस देख लो, कितनी स्ट्रेटजी देख लो, अल्टीमेटली आपको पेपर लिख कर आना है, ठीक है। अब अगर बात की जा रही है कि मैच क्रिकेट में आपको बैट्समैन को बैटिंग करना है, वो बैट्समैन खूब रनिंग कर रहा है, खूब जिम जा रहा है, वो बैट्समैन खूब क्या कर सकते हैं कि एक तरह से स्ट्रेटजीज बना रहा है, लेकिन वो बैट्समैन जब तक पिच पे प्रैक्टिस नहीं करेगा बैटिंग की, वो क्या खेलेगा, ठीक है। पहली बॉल जो आएगी तो उसको फुटबॉल की तरह लगेगी और वहीं पे नॉकआउट हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखना होगी कि अगर एग्जाम में आंसर लिखना है तो आप आंसर लिखना अपने एंड पे चालू कर दो, आंसर लिखना अपने एंड पे चालू कर दो। आंसर राइटिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और एट लास्ट कंसिस्टेंसी इज द की। मैं वही कह रहा हूं कि चार दिन में भी उतना ही बड़ा पहाड़ दिखेगा आपको, और आज भी देखोगे तो पहाड़ उतना ही बड़ा है, चार दिन में नहीं तोड़ पाओगे, ये फॉर श्योर है। मैं लिख के दे सकता हूं तुम अगर चार दिन में खत्म करके दिखा दो तो, लेकिन ये भी लिख के दे सकता हूं कि अगर आज से काम करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दोगे ना, तो ये जरूर तय है कि आप जो अभी इतना बड़ा दिख रहा है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बहुत बड़ा काम रहता है, कोई भी सिलेबस कंप्लीट करना होता है, कुछ भी टारगेट अचीव करना होता है, बाहर से खड़े होकर वो बहुत बड़ा दिखता है, और लेकिन हम सोच ले कि इतना बड़ा है, नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, और शुरू ही ना करें तो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आप जो भी हो, जहां भी हो, जिस भी पोजीशन में, शुरू करो, और निरंतरता के साथ में, इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी होती है, मैं हमेशा कहता हूं, निरंतरता के साथ में शुरू कर दो, यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील द डिफरेंस दैट यू आर एबल टू कंकर दैट, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी, सॉरी फॉर द क्लिकबेट, कि मैंने ऐसे क्लिकबेट करके बताया 50 डे स्ट्रेटजी। देखो मैं वही बता रहा हूं कि वो स्ट्रेटजी 10 दिन की भी तुम एक्सपेक्ट करते रह जाओगे, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा जब तक तुम काम नहीं करोगे। दैट वॉज ऑल इट, ठीक है। इसी के साथ साइन।